हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज की इस वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप जो अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए कैसे भेज सकते हो, यानी कि आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो चुका है, तो आप अपने चैनल को और रिव्यू में कैसे भेज सकते हो, यानी कि मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरे चैनल पर चल रहा है प्रमोशन, और यहाँ पर जो भी कमेंट करके यहाँ पर विनर आता है, तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का जो है, इस तरह से हम रेंडम कमेंट से हम यहाँ से विनर निकालते हैं। तो ये भाई साहब विनर हो चुके हैं, तो भाई का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट कर रखा है, तो जाकर के भाई को सपोर्ट दिल से कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाने के बाद यहाँ पे मैं सामने आप लोग को दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे कैसे अप्लाई करना। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा चुका हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने YT स्टूडियो में। तो YT स्टूडियो में मैं खोलता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरे पास दो चैनल है, एक ब्लॉगिंग का चैनल है और एक मेरा जो है जिस पर आप वीडियो देख रहे हो वो चैनल। तो यहाँ पे सिंपल था दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है आप लोग को मैं बता दूँ, यहाँ पे मोनेटाइजेशन, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है एक स्टार्ट नाउ का आपको जो है ऑप्शन आएगा, आपका जो है 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरने के बाद। तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ जो एक जो एक बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे बॉक्स पर क्लिक करना है। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह का इंटरफेस खुल करके आ रहा है। थोड़ा सा समय यहाँ पे लगेगा, तो सिंपल था दोस्तों, आप साइड में देख सकते हो यहाँ पे मैं जो भी कर रहा हूँ वो लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय आपको रिव्यू में लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पे मैं समय दे देता हूँ, जैसे कि आप लाइव में जो भी हूँ लाइव में दिखाने वाला हूँ। तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो है एक टिक लगा हुआ आ चुका है। तो यहाँ पे और मतलब दूसरा चरण में क्या करना है, नेक्स्ट जो है स्टेप क्या है आपको मैं बताने वाला हूँ। तो फिर से स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है कि आपके पास पहले से एडसेंस अकाउंट है, तो यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे पास जो है एडसेंस अकाउंट नहीं है, मैं इनको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जब मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस इंटरफेस खोल करके आ जाएगा आपके सामने, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो भी आपका जीमेल अकाउंट है, मैंने यहाँ पे ब्लर किया हुआ है इसलिए कि आपका जो है मेरा जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है लीक ना हो जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो भी आपके जीमेल अकाउंट से बनाना चाहते हो, जो भी जीमेल अकाउंट से आप एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हो, वो आप यहाँ पे चूज कर लेना है। तो मैं उसी जीमेल अकाउंट से बनाना चाहता हूँ जिससे मेरा जो है यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पे मैं उसी जो जीमेल अकाउंट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद किस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, थोड़ा आप देखिएगा। जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल था दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे सिंपल था दोस्तों क्या करना है, सेलेक्ट कंट्री, आप किस मतलब कहाँ पे रहते हो इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में क्या मतलब क्या करना है उसको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया, मैं इंडिया को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया को मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। इंडिया को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल था दोस्तों क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है फिर से एक बॉक्स दिखेगा, उस बॉक्स पर क्लिक करना है। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके आएगा, यहाँ पे सामने आप देख सकते हो खुल रहा है। तो यहाँ पे आप खुल रहा है, तो यहाँ पे खुलने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने, और यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिल करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे मैं एड्रेस फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो सिंपल था दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने एड्रेस फिल कर लिया। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, सिंपल था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिविजुअल लिख रहा है। तो सिंपल था दोस्तों, इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे। पेंसिल के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चूज करना है कि बिजनेस के लिए बना रहे हो या खुद के लिए बना रहे हो। तो यहाँ पे मैं बिजनेस के लिए नहीं बना रहा हूँ, खुद के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करके रखना है। सिलेक्ट करने के रखने के बाद यहाँ पे जो है आपका एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप साइड में देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपको एड्रेस फिल सही से करना है, और उसको उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जब एड्रेस जब फिल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जब एड्रेस फिल कर रहे हो तो उसमें एक फोन नंबर अपना दे देना है, फोन नंबर लिख करके। इससे होगा क्या कि जब भी आपके अकाउंट मतलब जब भी वहाँ से पोस्ट कुछ भी आएगा, यानी कि पिन इस पर भेजा जाएगा, तो पिन मेरे ही पास आएगा। यहाँ पे जो है मतलब मेरे जो पिन साहब के पास मेरा पिन नंबर आएगा, तो उनके पास जब आएगा तो वो मेरे को इस नंबर पे कॉल करके हमें ये बता सकते हैं कि आपका लिफाफा आया हुआ है। तो यहाँ पे एक जरूरी सोचना है कि यहाँ पे आप
फोन नंबर देना ही देना है, तो आप यहाँ पे फोन नंबर दे सकते हो, मतलब देना ही है, देना दे नहीं सकते हो, देना ही है। तो यहाँ पे सिंपल सा दोस्तों क्या करते हो, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, होने करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ ईस्ट इंटरफेस खुल के आ रहा है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ रहा है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रिज्यूम पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इस तरह इंटरफेस खुल करके आ रहा है, आपको जिसमें खोलना है उसमें आप खोल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर ब्लर देखने को मिल रहा होगा इसलिए कि मैं यहाँ पे मैं अपना खुद का डिटेल नहीं बता सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरा स्टेप जो है इन प्रोग्रेस में यहाँ पे चला गया। तो दूसरा स्टेप जब इन प्रोग्रेस में चला गया तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल था दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पे क्या होगा। तो दूसरा स्टेप यहाँ पे 24 घंटा में यहाँ पे डन हो जाएगा, फिर तीसरा चरण में आप खुद पर खुद वो आ जाएगा, वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग को बता दूँ कि इस तरह से आप जो मोनेटाइज के लिए यहाँ पे भेज सकते हो। यदि आप भी विनर बनना चाहते हो इस तरह से तो आप भी यहां पे कमेंट, मतलब पूरा वीडियो देखने के बाद यहां पे प्यारा सा कमेंट कर देना है, कमेंट करने के बाद आपका आपका भी आप भी विनर आ सकते हो मेरे वीडियोस में। तो सिंपल था दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।